हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूँ फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एंड्रॉयड में चेक बॉक्सेस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्यू में एक इंपॉर्टेंट पार्ट चेक बॉक्सेस का है, जो हमारे लेआउट के अंदर अक्सर ऐसे सिनेरियो पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ऑप्शंस में यूज़र को हम इस तरह से फैसिलिटेट करना चाह रहे होते हैं कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शन उससे लेना चाह रहे हों। तो इस सेशन के अंदर हम कम्प्लीटली थ्योरेटिकली भी समझेंगे, उसे साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि चेक बॉक्स क्या है और किस तरह से वर्क करता है। लेकिन वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो फ़ाद हुसैन यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली फ़ाद हुसैन CS के ज़रिए से यूट्यूब पर मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं आप विद ईज़ यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर। आप गूगल पे भी फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर पहुंचकर वो तमाम चीज़ें जो कि मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा होता हूँ आप क्लिक टू डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिले, और साथ ही साथ जब आप मेरे ब्लॉग पर जाएंगे तो वहाँ पर राइट हैंड साइड पर बॉटम पर आपको फॉलोवर का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल को रजिस्टर करके फॉलोवर बन सकते हैं। तो वहाँ पे भी होने वाले जो भी अपडेशन है विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, वो आपको बरवक्त उस हवाले से पता चलता रहेगा और आप विद ईज़ के साथ डाउनलोड उसे कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इस वक्त मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ किया है, और उसमें चेक बॉक्सेस अंडरस्कोर फ़ाद हुसैन CS से मैंने उसका नाम रखा, और जावा लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मिनिमम API हमारे पास आइसक्रीम सैंडविच फिनिश करेंगे। और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रेडी होगा और हम अपने इम्यूलेटर को एक्टिव कर देंगे और उसके बाद अपने एक्टिविटी पर जाकर काम स्टार्ट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च द इम्यूलेटर। ओके, सो रेस के फोल्डर में लेआउट और ये हमारी एक्टिविटी है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि हमारी एक्टिविटी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है इस वक्त उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ और जो सेंटर में मौजूद है। लिहाजा सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन के लिए, और हम लिखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। ठीक है, और उसके बाद हम टेक्स्ट साइज चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल। टेक्स्ट कलर नॉट बैड। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ से ताकि हम इसको यहाँ से इंटरेक्टिवली मूव करके ऊपर ले जा सकें। ओके, दैट्स कूल। उसके बाद चेक बॉक्सेस के व्यूज़ को हमें ऐड करवाना है यहाँ पर, लिहाजा मैं टेक्स्ट वाले एरिया पर आऊँगा और सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे चेक बॉक्स रैप टैक्स, और उसमें जो भी प्रोडक्ट आप दिखाना चाह रहे हैं, ऑल दो वो रिलेटेड चीज़ें क्लॉथ से हों या फिर खाने पीने की चीज़ें हों, आप जिस चीज़ पे भी चाहें उसे बना सकते हैं। तो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर ले रहा हूँ, सजदर बर्गर, कढ़ाई, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। तो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट पर टेक्स्ट कलर दैट्स अ प्राइमरी एंड टेक्स्ट विल बी नॉट टेक्स्ट साइज बर्गर एंड 2 times स्पेस इट शुड बी $5। दैट्स अ रैंडमली टेक्स्ट। तो मैंने इस वक्त एक चेक बॉक्स पर प्रोडक्ट लिखा और साथ ही साथ उसकी कीमत भी विजिबल करके यूज़र को दिखा दी। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट लेआउट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वक्त अपने कोड को। तो अब हम इसे रिलेशन देंगे, तो मैंने यहाँ से रिलेशन दिया इस तरफ, इसी तरह से हमने इसे रिलेशन दिया लेफ्ट साइड पर, और इसे मूव करके हम नीचे की तरफ लाएंगे, और अब इसका रिलेशन मैं अपने टेक्स्ट व्यू से दे दूँगा और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें इसे मूव कर सकते हैं। तो टेक्स्ट साइज़ मुझे कुछ छोटा लग रहा है, तो मैं अब टेक्स्ट साइज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और मैंने इसको 120 पिक्सल यहाँ पर दे दिया, जो कि नॉट बैड। और साथ ही साथ हमारा पहला जो टेक्स्ट व्यू है चेक बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। ऊपर जो कलर है वो हमारा कलर प्राइमरी ही है, तो मैं इसको एसेंड कर देता हूँ ताकि कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल सही। अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और उसे हमें समझना है विद रिस्पेक्ट टू द UI। देखो, ये पहला जो चेक बॉक्स है मैं इस पूरे चेक बॉक्स को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने नीचे पेस्ट किया ना इसे, तो इस पर 2 चीज़ें चेंज करनी है, एक तो प्रोडक्ट का नाम और जो बॉटम से इसका रिलेशन बना था टेक्स्ट व्यू के साथ वो, तो मैंने इसे हटाया और साथ ही साथ प्रोडक्ट का नाम मैंने अब रख दिया कराई। ठीक है, और इसकी कीमत कर दी मैंने $10।
उसके बाद अब यहाँ से देखो, मैं इसका रिलेशन बनाता हूँ। मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया और इसे मूव करके नीचे की तरफ लाया, और अब टॉप से इसका रिलेशन बना दूंगा पहले वाले चेकबॉक्स से, और उसके बाद मैंने इसे मूव कर दिया एज लाइक दिस। ठीक है, फिर इसी तरह इस चेकबॉक्स को भी कॉपी किया मैंने, नीचे आकर हम पेस्ट करेंगे, और कढ़ाई की जगह मैंने यहाँ लिख दिया निहारी, और इसकी जो प्राइस है वो मैंने कर दिया $15। नीचे बॉटम से रिलेशन हटाएंगे, चेक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसे मूव करके नीचे की तरफ लाएंगे, और अब मैं इसका रिलेशन बना दूंगा इस टॉप से। दैट्स गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चेकबॉक्स बनाते हैं, और मैंने इस पूरे एट्रीब्यूट को कॉपी किया, नीचे आया, पेस्ट किया, और अब मैंने यहाँ पर लिखा टी, प्राइस रख दी $1। बॉटम से रिलेशन ख़त्म करेंगे, और इसका रिलेशन बना दूंगा मैं इसके साथ। नॉट बैड। लास्ट में एक बटन की ज़रूरत है मुझे, जो सबमिट बटन होगा, प्लेन बटन, तो इसके लिए मैंने बटन लिखा, और इस पे टेक्स्ट साइज हमने कर दिया 120 पिक्सल, और टेक्स्ट लिख दिया हमने सबमिट अंडरस्कोर ऑर्डर, टेक्स्ट कलर, सेम हो जाएगा तो हम इसे सेंड करते हैं, और उसके बाद हम इसे मूव करेंगे। तो मैंने बटन पे क्लिक किया, ये व्यू है, इसको हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर लेफ्ट से रिलेशन दिया, राइट से भी दिया, और इसको इंटरैक्ट कर दिया हमने इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा गैप देते हैं एज लाइक दिस, जूम आउट करेंगे, ये हमारा जो UI है वो रेडी हो चुका है, और उसके बाद मैं अपना प्रीव्यू चेक करता हूँ कि क्या हमारा प्रीव्यू भी एमुलेटर पे ऐसे ही दिख रहा है जो यहाँ पर इस पे प्रीव्यू पे दिख रहा है, और उसके बाद हम बैक हैंड की तरफ मूव होंगे। लेट्स सी। इम्प्रेसिव। तो अब हमें क्या करना है, UI हमारी रेडी हो चुकी है, और अब मैं यूज़र को इस तरह से फैसिलिटेट करना चाहता हूँ कि यूज़र इन तमाम चेक बॉक्सेस में जितनी मर्ज़ी चाहे उनमें चेक लगा कर सबमिट करेगा, तो उसे ये बताया जाएगा कि उसने किस किस पर चेक लगाया, और उसके टोटल अमाउंट का सम, यानी जो टोटल अमाउंट है तमाम प्रोडक्ट का, वो मिलकर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हमें चेकबॉक्स की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी, और हम किस तरह से ID के ज़रिए से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके बिहाइंड यूज़ कर पाएंगे वो भी। लिहाजा अब मैं फाइनली UI पे एक इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, और वो है ID। तो आपने देखा कि चेकबॉक्स जब मैंने ऐड किया तो ऑलरेडी एक पे लिखा हुआ चेकबॉक्स, दूसरे पे लिखा हुआ चेकबॉक्स 2, एक पे लिखा हुआ चेकबॉक्स 3, और एक पे लिखा हुआ चेकबॉक्स 4, ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें आई, लेकिन बटन पे कोई ID नहीं है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर एक ID दूंगा जिसका नाम मैं बटन ही रख देता हूँ, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे बैक हैंड एक्टिविटी पर, और यहाँ पर काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास चेकबॉक्स मौजूद है, तो चेकबॉक्स में सबसे पहले हमारे पास है बर्गर, उसके बाद है हमारे पास कराई, उसके बाद है निहारी, एंड लास्ट टी। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल बटन है, उसका ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ तो सिंपल सबमिट नाम रख देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम ऑन क्रिएट एक्शन मेथड पर आते हैं, और यहाँ पर ID के ज़रिए से तमाम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बर्गर है, ठीक है, और बर्गर को हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे चेकबॉक्स की ID से चाहिए, तो मैंने कहा चेकबॉक्स पे जाओ और फाइंड बाय ID करो इसे। तो मैंने कहा फाइंड बाय ID r.id. सबसे पहले हमारे पास जो चेकबॉक्स है उसका नाम है, उसकी ID है चेकबॉक्स ओनली। इसी लाइन को हमने कॉपी किया। अब हम करेंगे यही काम कढ़ाई के लिए, फिर निहारी के लिए, टी के लिए, उसके बाद सबमिट के बटन के लिए। तो एक एक करके चेंज करेंगे, तो उसको मैंने किया कढ़ाई, निहारी, एंड टी, और फाइनली हमारे पास सबमिट का बटन है जो कि सिंपल बटन है, नॉट चेकबॉक्स। अब ID चेंज करनी है, तो इसके बाद हमारे पास ID थी 2, फिर थी 3, और एट लास्ट थी हमारे पास 4, और उसके बाद हमने बटन, जो प्लेन बटन था हमारे पास, हमने उसकी ID दी थी भी बटन ओनली। तो अब हमारा जो बिहाइंड कोड बेसिक लॉजिक थी वो यहाँ पर एंड होती है कि हमने ID के रिस्पेक्ट से तमाम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो सबमिट पर ऑन क्लिक इवेंट भी बना सकता हूँ, और सेट ऑन क्लिक लिसनर भी कर सकता हूँ, जिसके हवाले से मैं तफसीलन बता चुका हूँ जब हम
प्रीवियसली कुछ सेशंस पर टोस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, तो लिहाजा अगर वो प्रीवियसली सेशन नहीं देखे हैं आपने तो बहुत ज़रूरी है इस बात पे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो तमाम एंड्रॉयड से रिलेटेड तमाम सेशन देखो ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीख पाओ। लिहाजा अब मैं वेरिएबल सबमिट को इस्तेमाल करूँगा और सेट ऑन क्लिक लिसनर को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट करेंगे और उसके साथ ही आप देख रहे हो कि ऑन क्लिक लिसनर पर हमारा ऑन क्लिक इवेंट मेथड बन चुका है और इस बॉडी के अंदर आप वो अपनी लॉजिक बनाओगे जिसके ज़रिए से आप उन तमाम प्राइस का सम और प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हो। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओके। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले रिजल्ट पर अपेंड करो, रिजल्ट का मतलब स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, अपेंड का मतलब कॉन्कैटिनेट, और उस पर लिखो योर टोटल अमाउंट या आप ये कह लो यू हैव परचेज्ड, ठीक है, तो जो चीज़ें आपने परचेज की उनकी लिस्ट नीचे आएगी, उसके बाद टोटल अमाउंट उसका दिखेगा। तो और अब मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशन बतानी है, तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे पहले इस जगह पर, और अब मैंने कंडीशन बताना है कि अगर यूज़र ने बर्गर जो वेरिएबल है हमारा जो चेकबॉक्स सिंपल चेकबॉक्स आईडी के ज़रिए से आया है, इसको चेक करो कि क्या यूज़र ने इसको चेक किया हुआ है। अगर चेक किया हुआ है ऐसे तो तुम क्या करो, रिज़ल्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर अपेंड करो कि भाई यूज़र ने जो है ना ये चीज़ ख़रीदी है जिसकी कीमत ये है। तो इसके लिए मैंने कहा स्लैश एंड स्कैप सिक्वेंस यानी लाइन चेंज करो और बर्गर लिखो जो प्रोडक्ट का नाम है और उसके साथ उसकी प्राइस लिख दो। तो मैंने कहा भाई इस वक्त बर्गर की कीमत $5 है जो इसने ख़रीदा है और उसके बाद टर्मिनेट कर दो। तो ये तो स्ट्रिंग था जो यूज़र को दिखा रहे हैं आप। अब जो अमाउंट इसमें ऐड होनी चाहिए, जो दिखाना चाहिए, उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है जिसमें मैं $5 ऐड करूँ। लिहाजा इसके लिए हम टॉप पर जाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने टोटल इंटीजर अमाउंट और उसके बाद इस इफ़ के अंदर आके मैंने कहा कि अमाउंट जो वेरिएबल है हमारा उस पर ऐड हो जाए 5, ठीक है। तो 5 को हमने उसमें क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। तो अमाउंट को इनिशियली हम ज़ीरो वैल्यू ज़रूर देंगे ताकि वो रिप्लेस हो जाए और इस तरह से अमाउंट की वेरिएबल की वैल्यू जो ज़ीरो थी AMOUNT, ठीक है, तो $5 में कन्वर्ट हो गई। इसी इफ़ को मैं दोबारा कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम 4 टाइम मज़ीद पेस्ट करेंगे, 3 टाइम 1, 2 एंड 3। तो अब जो काम हम किसके लिए कर रहे थे, बर्गर के लिए, अब वही काम हम कढ़ाई के लिए करेंगे। तो सेकंड जो इफ़ है उस पर मैंने दोनों जगह ये लिखा और इसकी कीमत जो है हम यहाँ पर वो लिख देंगे। तो हमने सेकंड की जो कीमत रखी है वो $10 रखी है और वो है कढ़ाई। तो कढ़ाई पर हमने यहाँ पर भी 10 लिखा और साथ ही साथ जो सबमिट पर हम अपेंड करवा रहे हैं ऐड करवा रहे हैं वो भी हमने वो किया। उसके बाद निहारी जिसकी कीमत $15 है तो हमने यहाँ से भी चेंज किया, यहाँ से भी किया और यहाँ पर 15 लिख दिया और यहाँ पे भी 15 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास टी है जिसकी कीमत ओनली $1 है, तो लास्ट पे हम टी करेंगे, यहाँ पे भी टी करेंगे और यहाँ पर हम $1 कर देंगे और यहाँ पर भी 1 कर देंगे। लिहाजा एट लास्ट हमारे पास अमाउंट वेरिएबल की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग पर। अगर कोई भी चेक नहीं लगाओगे तो उसकी वैल्यू 0 डिस्प्ले होगी और अगर आप किसी भी चेक लगाएंगे तो वो उसके साथ ऐड होगा और वेरिएबल अमाउंट पर सेव हो जाएगा। अब हमें इसे डिस्प्ले करवाना है तो सबसे पहले रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो चीज़ें सेव हैं उसे मुझे अपेंड करके शो करवाना है कि भाई टोटल अमाउंट आपका ये है। तो इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पर रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड पे मैंने बताया कि भाई स्लैश एन लिखो और उसके बाद लिखो टोटल अमाउंट। तो यहाँ लिखा हमने टोटल अमाउंट और जो वेरिएबल है जिसमें हमारा अमाउंट सेव है उसका भी नाम क्या है, वेरिएबल अमाउंट ही है, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद कॉन्कैटिनेट किया मैंने डॉलर का साइन ताकि अमाउंट के साथ डॉलर साइन भी लिखा हुआ है और टर्मिनेट कर दिया। अब मुझे टोस्ट के ज़रिए से यही रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो मैंने लिखा टोस्ट डॉट मेक टेक्स गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स स्ट्रिंग रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट वो वेरिएबल है जिसमें तमाम डेटा हमारा स्टोर है। और उसके बाद हम बताएंगे कि हम कौन सा टोस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई लॉन्ग और उसके बाद हम इसे शो करवा देंगे एज लाइक दिस एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हमने एट लास्ट अपनी कंडीशन बताने के बाद टोस्ट को यूज़ किया और रिजल्ट को हम शो करवा रहे हैं। लिहाजा ऑलमोस्ट हमारी लॉजिक बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि चेकबॉक्स की वर्किंग बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जो हमारी स्टार्टिंग में इंटेंशन थी। लेट्स सी, तो प्रोग्राम को रन किया
तो सबसे पहले हम किसी पे भी चेक नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हो कि परचेज़ लिखा आ रहा है और अमाउंट ज़ीरो, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है। अब मैंने बर्गर पे लगाया और उसके बाद न्यारी पे लगाया, तो ये $20 का सम होना चाहिए। लेट्स सी, दोनों की कीमतें लिखी हुई आई और उसके बाद टोटल अमाउंट 20 लिखा आ गया। अब मैंने कढ़ाई पे भी लगाया तो ये 20 प्लस 30 हो गया। तो इस पर क्लिक किया मैंने, अब आप देख रहे हो तीनों की प्राइस और ओवरऑल 30। फिर चौथे पे भी चेक लगाते हैं, अब तमाम चीज़ें मिलकर $31 बनेंगे। सबमिट पे क्लिक किया, तमाम की प्राइस इंडिविजुअली और उसके बाद तमाम का सम जो कि $31 डिस्प्ले हो गया। सो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि चेक बॉक्सेस क्या हैं, किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो की यूआई को हम इंटरेक्टिव बनाकर चेक बॉक्सेस दिखा सकते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप पर, और साथ ही साथ हम उसे किस तरह से बैक हैंड पर इस्तेमाल करते हुए ऑन क्लिक लिसनर को इस्तेमाल करते हुए उनके तमाम अमाउंट को और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर के ज़रिए से अपेंड करा के दिखाकर हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बरवक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिलती रहे। जो भी रिलेटेड कोड है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है, फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके आप ब्लॉग पर जाकर वो तमाम चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर बॉटम पर फॉलोवर का बटन भी मौजूद है, जिस पर आप क्लिक करके मेरे वहाँ पर फॉलोवर बन सकते हैं ताकि अपकमिंग जो भी कोड वहाँ पर अपलोड किया जाएगा उस हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिलते रहे और आप ईज़ के साथ उन चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ कर पाएँ। थैंक यू।